संख्या करौली का पूरे प्रांत का है 2376। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब मेरे पास है, आपकी अनुमति हो तो सीधे प्रश्न पूरक प्रश्न पूछ लूँ। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी कि वर्ष 2015 में स्वीकृति के समय सड़क की लागत क्या थी, उस समय की लागत व वर्तमान लागत जो 145 लाख रुपए है उसमें कितना अंतर है, क्या आप इस बढ़ी हुई राशि को दोषी अधिकारियों से वसूलने की मंशा रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि 2015-16 के बजट घोषणा में ये मिसिंग लिंक घोषित की गई थी और उस समय की जो राशि थी, उस समय 2015-16 के BSR दर के अनुसार 104.13 लाख रुपए थी और अभी उस समय जो यहाँ की जो सड़क की लंबाई थी वो 3.5 किलोमीटर थी और उसमें से जो है नगर निगम द्वारा जो है 800 मीटर की लाइन बना 800 मीटर की रोड बना ली गई थी और उसके नहीं बनाने के बहुत सारे कारण रहे थे, उसमें विद्युत पोल हटाने के भी रहे थे, नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन भी वहां पर प्रस्तावित थी, फिर सिंचाई विभाग का कल्याणीपुरा का एस्केप चैनल भी था, कुछ निजी खातेदारों की भूमि भी थी तो वो सड़क नहीं बन पाई थी और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने जो उस कार्य को करने के लिए मना कर दिया था तो 17-3-2021 को विड्रॉ कर दिया गया। फिर अभी जो है हमने 2024-25 के लेखा अनुदान में बजट घोषणा में नई स्वीकृति के लिए 2.7 किलोमीटर की सड़क के लिए 1.45 लाख रुपए उसके स्वीकृत किए इस दर के अनुसार। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि जवाब पॉजिटिव दिया है कि भाई हम आपको सड़क बना देंगे, पर मैंने ये पूछा था कि 2015 में BSR रेट के अनुसार इसकी लागत क्या थी और 2024 9 साल बाद इसकी BSR रेट क्या है, ये मैंने पूछा था पर इसका जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा सवाल कर लेती हूँ। ये 2015 से लेकर के 2000 आज तक ये सड़क नहीं बनी, 2021 में मैं इसको सतर्कता समिति में लेके गई, 2021 से लेकर के 2024 तक आज तक सतर्कता समिति में ये पेंडिंग है, तो क्या सतर्कता समिति के माध्यम से PWD को जो मार्गाधिकार की समस्या आ रही थी वो मार्गाधिकार की रिपोर्ट और एग्जैक्ट सड़क के लोकेशन की जानकारी प्राप्त हो गई, रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? क्योंकि आपने लिखा है कि हम 2024 तक दिसंबर 2024 तक बना देंगे, तो दिसंबर 2024 तक तब बनाएंगे जब सतर्कता समिति के माध्यम से आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो क्या सतर्कता समिति ने उस मार्गाधिकार के साथ मास्टर प्लान की सड़क के अनुसार आपको डिमार्केशन करके सड़क की रिपोर्ट दे दी है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल जो इन्होंने मुझसे पूछा था कि 2015 के अंदर BSR दर से मैंने बताया था कि 1.4 लाख रुपए की हमने घोषणा की थी उस समय और 2024-25 के लेखा अनुदान में नई जो सड़क जो मिसिंग लिंक घोषित की गई है उसमें 145 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है उसमें मैं बता दूं कि उपखंड अधिकारी अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग और अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जल संसाधन अधीक्षण अभियंता और CPM DFCCIL के हस्ताक्षर होने थे परंतु CPM DFCCIL के हस्ताक्षर नहीं हो पाए, इससे उन विभागियों बाकी सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर हो गए थे इसलिए वो कार्य उस समय नहीं हो पाया था और कॉन्ट्रैक्टर ने भी हमने जो है उस कार्य को कॉन्ट्रैक्टर से विड्रॉ करवा लिया गया था और अब इस नई मिसिंग लिंक की स्वीकृति लेखा अनुदान में दे दी गई है और अब नया जो है इसका कार्य करवा लिया जाए। वो सतर्कता समिति को बता दिया क्या? सतर्कता समिति रिपोर्ट मिल गई क्या, बस इतना सा, हाँ या ना? सर उसकी सतर्कता समिति के अंदर मैं आपको बता दूं कि 2021 श्रीमती अनीता बदेल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के उपस्थिति में निर्देश एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया था और सर मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय के सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर हो गए थे लेकिन जो है CPM DFCCIL के हस्ताक्षर नहीं हो पाए थे इसलिए सड़क नहीं हो पाई लेकिन अभी जो है उसकी रिपोर्ट आना बाकी है और उसके बाद में जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अनुसार जो भी कार्य में बाधा आ रही थी उन सब कार्यों को जो है जैसे पुल निर्माण विद्युत पोल हटाने का नगर निगम द्वारा सीवरेज लाइन वो सारे कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और अब जो है इस मिसिंग लिंक का कार्य करवा दिया। दो प्रश्न हो गए माननीय सदस्य। एक बस छोटा सा एक छोटा सा है, आपने बोला रिपोर्ट आना बाकी है
तो रिपोर्ट आना बाकी है, तो 2024 दिसंबर तक आपने लिखा है कि सड़क बना देंगे, तो यदि रिपोर्ट नहीं आएगी तो दिसंबर तक फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि 10 साल से 9 साल से तो बन नहीं रही, तो इतना सा आश्वासन चाहिए कि हम रिपोर्ट मंगा करके बना देंगे, इतना सा कह दें माननीय मंत्री महोदय। कहलवाना नहीं, जो इनको कहना होगा वो कहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय कहना तो, चूंकि अब वो उस समय की स्वीकृति थी और वो अब जो नया प्रस्ताव दिया है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, नई मिसिंग लिंक नई लेखा अनुदान के अंदर इस बजट की स्वीकृति जारी कर दी। अगला प्रश्न है श्री अर्जुन।